welcome back to my channel. और आज है Saturday और Saturday होता है weekend और हम लोग जा रहे हैं weekend पे party नहीं करने जा रहे हैं, हम लोगों की शादी attend करने जाना है. तो आज का दिन है, मैं थोड़ी खुश भी हूँ थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि आज मैं पहन रही हूँ अपनी ब्लैक साड़ी, क्योंकि जो क्राउड वहाँ पे आने वाला है वो साड़ी के अकॉर्डिंगली है. वो वाली साड़ी जब मैं पहनने वाली थी पंडित जी के बेटे की शादी में तब क्राउड वैसा नहीं था, बट अब मुझे लगा कि यार हो गया बहुत, अब पहन लेनी चाहिए. तो फाइनली मैं पहनने वाली हूँ अपनी ब्लैक डिजाइनर साड़ी. तो मेकअप करने से पहले मैं ये गुड वाइब्स का टी ट्री फेस मास्क लगा रही हूँ और ये पिंपल और ब्लैक हेड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रहती है इसमें, एक्ने फ्री करता है आपकी स्किन को. तो मैं सोच रही थी 15-20 मिनट के लिए इसे लगा के बैठ जाऊं. तो ये मैं खोल रही हूँ, तो इसमें सीरम है टी ट्री का, तो इसमें सब कुछ मेंशन है यहाँ पे. आई थिंक मैंने एक हॉल शेयर कर दिया होगा अभी तक, उसमें आप जाके देख सकते हैं इसे अगर आपको लेना है तो. मेकअप करने से पहले मुझे लगा कि स्किन को हाइड्रेट कर लेना चाहिए. अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ और अब मुझे शीट मास्क ओपन करना, शीट मास्क जो रहता है ना उसे बहुत ही आराम से ओपन करना चाहिए, अदरवाइज आपका जो शीट मास्क है वो फट सकता है. एडजस्ट और उसके बाद आपको एडजस्ट करना पड़ता है. बहुत ही प्यारे खराटे लिए जा रहे हैं बोजो के थ्रू, तो बोजो बहुत ही प्यारे खराटे ले रहे हैं. और जब मेकअप करूँगी तो आप वो गूगल के भी सुनेंगे, ये गूगल के हॉल में सुनते हैं, इनके बेडरूम में सुनते हैं, तो मेरा घर जो है वहाँ पर हमेशा आप खराटों की आवाज़ आपको आती रहेगी. तो मैंने लगा लिया है, जो बचा हुआ सीरम है वो मैं हाथ पर लगा लेती हूँ और इसमें भी होगा कुछ ना कुछ. तो 20 मिनट के लिए मैं इसे लगा के रखती हूँ, उसके बाद मैं अभी मिलती हूँ आप लोगों से. मैं सोच रही हूँ अपने लिए कुछ चाय वगैरह बना ली जाए, तो अब ले चाय बनाती हूँ और फिर आ रही हूँ मैं. 20 मिनट में चाय बन जाएगी, आई थिंक 10 मिनट में बन जाएगी. तो 20 मिनट हो गए हैं प्रॉपर और मैं इसे निकाल रही हूँ. हाँ, तो पूरा स्किन में जाना चाहिए. 2-5 मिनट मसाज करती हूँ और पता है आपको मेरे पास इतना टाइम था, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे पास कितना टाइम था. मेरे पास बहुत सारा टाइम था, मेरे पास कम से कम 3-4 घंटे थे तैयार होने के. और जब मेरे को पता रहता है ना बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम है, जैसे एग्जाम में होता था ना कि जब आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है तो लाइक दिन रहते तो आपको लगता है अरे यार 4 दिन तो हम पूरा पढ़ेंगे और एंडिंग में क्या होता है आप आखिरी दिन पढ़ते हैं. इसी तरह मैंने बहुत टाइम पास किया ना, मैंने ब्लॉग शुरू किया आज, ठीक है, मैं अभी यहाँ घूम रही, कहीं मैं बाहर घूम रही, ठीक है, नीचे आए हुए मेहमान बहुत जा रहे हैं जो गए थे वहाँ पे, तो कहीं वहाँ घूम रही हूँ, मतलब बाहर की इतना नीचे रौनक लगी हुई है, तो मैं देख के आ गई. मतलब मैं नीचे नहीं गई, मैं बालकनी से देख रही थी, फिर मैं आ गई अंदर, फिर मतलब मैं भटक ही रही हूँ तब से, मेरे को वही लग रहा है मैं कभी यहाँ भटक रही गई वहाँ भटक रही हूँ, मैं तब से भटकती हूँ आत्मा की तरह पूरे घर में घूम रही हूँ. ठीक है, मैंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ एक फेस मास्क लगाया, बड़ी मुश्किल से व्लॉग चलाया आज दिन, बहुत आलस आलस, मेरे को नींद नहीं आ रही थी बहुत, और खाना वाना बनाना नहीं था तो कुछ ऐसा काम नहीं है, होता है जो आपको शादी वादी में जाना होता है ना तो खाना वाना बनाना नहीं होता, आपके पास कोई काम वन काम वाम नहीं रहता है तो आप ऐसे ही घूमते रहते. तो मैं ऐसे ही घूम रही थी, अब मुझे लग रहा है कि सीरियसली मैं लेट हो गई हूँ, तो मैं चाय लाई हूँ. राजा पता है शेविंग बनवाने गए हैं, वो ऑफिस से डायरेक्ट वहाँ गए हैं, वो आ जाएंगे. राजा छुटकियों में तैयार हो जाते हैं, मेरे को नहीं पता है कि मुझे बाल भी धोने थे नहीं धोने थे, मैं बहुत ही बेवकूफ़ हो जाती हूँ कई बार, मैंने कॉम करी है पता नहीं मुझे क्या करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, अगर मुझे बाल धोने पड़े तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा कि मैं कैसे क्या करूँगी, समझ में नहीं आ रहा, फिर तो कोई स्टाइलिंग भी नहीं होगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. तो मैं आ गई अपने मेकअप रूम में. तो जब भी आप मेकअप करते हो तो कपड़े पहन के मत, सॉरी, जब भी आप मेकअप करते हैं ना तो वो कपड़े मत पहनिए जैसे साड़ी वगैरह, अगर आप ब्लाउज वगैरह पहन रहे हो वो बाद में पहनिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपके जो फाउंडेशन वगैरह वो जा सकता है, और मैं तो ब्लैक पहन रही हूँ तो बहुत चांसेस है फाउंडेशन लग जाए ब्लाउज पे, इसलिए मैं जो कपड़े हैं वो मेकअप के बाद स्पेशली बेस के बाद आप पहनिए, क्योंकि नेक पैक पे आप लगा रहे हो तो चांसेस होते हैं कि आपके जो कपड़े हैं उन पे लग जाए. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो सीरम था उसे हल्का सा पानी से धोया है, मैंने सोप यूज़ नहीं किया, मैं ब्रश करके आई हूँ दोबारा. तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो एक हैबिट आपको भी रखनी चाहिए बना के कि आपको ब्रश कर लेना चाहिए. ब्रश इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि आपने दोपहर में खाना खाया है, सुबह खाना खाया है, तो हो सकता है कि आपके दांत में कुछ फंसा हो जो आपको नहीं दिख रहा हो और
जब आप जाके एक स्माइल पास करें तो वो बहुत ही गंदा लगे, समझे। मैं थोड़ा सा अपने अपर लिप्स जो है ना वो पहले क्लीन करूँगी, मुझे लग रहा है मेरी थ्रेडिंग नहीं बनी हुई है। तो जो थ्रेडिंग, जब थ्रेडिंग नहीं बनती है तो ज़्यादा मुश्किल होती है आईब्रो सेट करने में, पर थ्रेडिंग मैं घर पे बनाती नहीं हूँ तो अपर लिप्स तो साफ कर सकती हूँ। पता चला लगेगी मूछ लगा के आई है लड़की। तो मैं ना नॉर्मल धागा यूज़ करती हूँ, आप लोग मुझसे पूछते हैं थ्रेड के लिए, तो मैं थ्रेड वाला धागा यूज़ नहीं करती हूँ। कौन मैसेज कर रहा है मुझे यार? तो हो गई है मेरी अपर लिप्स क्लीन, और थोड़ा सा बर्निंग होती है उसमें। तो अब मैं लगा रही हूँ ये मॉइस्चराइजर, ये काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है। तो इसे पहले मैं रब करूंगी, पता है इस टाइम पे ना थोड़े से गरम कर लेना चाहिए मॉइस्चराइजर को। इसलिए मैं थोड़ा सा बोरोलिन भी ले रही हूँ, ये तो मैं रात में लगा के सोती हूँ, इससे स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो इसे ही मैं ना पहले फिंगर के बीच में ना रब करती हूँ, क्योंकि इसे थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लगता है। तो इसे ना मैं अपने ये वाली एरिया पे ज़्यादा फोकस करूँगी अभी। तो जब तक ये सेटल हो रहा है तब तक मैं अपने बालों की कंडीशन देख लेती हूँ कि मुझे ज़रूरत है या नहीं है, क्या बोलते हैं उसकी, बाल धोने की। देखिए इतनी लेट मुझे याद आ रहा है कि मुझे बाल धोनी है। इतनी नहीं लग रही है, लग रही है यार, ऐसा ना होगा, हमसे ना हो पाएगा। मेरा ड्राई शैम्पू भी ख़त्म हो गया, मुझे लग रहा है यहाँ, मुझे लग रहा है कि मुझे क्राउन एरिया धोना पड़ेगा अपना। सोच रही ये लट्टी लग रही है ऑयली, शायद मेरे को लग रहा है फेस सीरम चला गया यहाँ पे। तो ना मैं नहीं धोऊंगी अभी क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, मेरे को ड्राई शैम्पू खरीदना पड़ेगा। मेरे पास था ड्राई शैम्पू, वो ख़त्म हो गया है, मेरे को ड्राई शैम्पू खरीदना पड़ेगा। ठंड में ड्राई शैम्पू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आज आते ही ऑर्डर करती हूँ। मैं सोच रही हूँ बालों को थोड़ा कर्ल कर लिया जाए, क्योंकि ना बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे आज अपने, क्योंकि ये स्ट्रेट भी नहीं लग रहे हैं, धुले नहीं हैं, जिम के कारण बहुत दिक्कत हो रही है। और ठंड में ना इस टाइम मेरे को वैसे ही थोड़ी सी सर्दी है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती एक शादी के लिए बाट लग जाए। तो ये आप मुझसे पूछते कि मैंने नायका से खुद परचेज की थी, ये है बीपी ब्रॉन्सन प्रोफेशनल स्पाइरल कर्लर के लिए। ये इससे जो कर्ल होते हैं ना, अगर आपके बाल स्ट्रेट है मेरी तरह और आपको कर्लिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपके लिए परफेक्ट है। तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ, मेरे पास और भी है, मैं दिखा रही हूँ आपको। मेरे पास ये एक हेयर स्ट्रेटनर है, देन मेरे पास एक ये है हेयर कर्लर, और इससे स्ट्रेटनिंग भी होती है, इससे कर्लिंग भी होती है, सब कुछ होता है, ठीक है। फिर एक क्रिम्पिंग आयरन भी है ना, ये मेरा पूरा हेयर सेक्शन का एक ड्रॉजर्स में रखा हुआ है, तो ये वायर आपसी मुलझे हुए हैं। तो एक क्रिम्पिंग आयरन भी है।
तैयार राजा आए और ये इतनी जल्दी तैयार हुए है ना, बहुत ही जल्दी है ना। क्या मतलब मेरे को, मैं तो दिखाई नहीं रहा। एक सेकेंड। हाँ तो आज मैंने पहन ली है ब्लैक साड़ी, कैसी लगी आपको? एक नंबर। मैंने पहन ली अपनी जैकेट, कैसी लगी? तुम्हारी तो अच्छी लग रही है। हैं सही खाओ। अभी मैं फोन पे तो कभी भी बच सकता है। क्यों? कभी भी। कैसन बा? अच्छन बा। ये हमारी थोड़ी सी मॉडलिंग है। थोड़ी सी मॉडलिंग। टिंग 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 टिंग। चलो चलो फोटो खींच लो। नहीं पहले वो तो करो मॉडलिंग। हाँ मैंने आज फेक लैशेस लगाई हैं। सही बताओ। हाँ देखो मैं काट दूँगा फेक लैश। मुझे थोड़ा टाइम लग गया तैयार होने में, पर मुझे पता है इतनी खास नहीं लग रही है साड़ी। हटके तो है। हटके होना चाहिए। अच्छी लग रही पेन जो ही ना बहुत बार इसलिए। तो चलिए कुछ फोटो खींच लेते हैं हम लोग, और उसके बाद पता नहीं यार मुझे रूम अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ तो हम लोग ना थोड़ी फोटो खींच लेते हैं, उसके बाद फिर आती हूँ मैं दोबारा ब्लॉग के लिए। ठीक है तो ना अब हम लोग निकल रहे हैं वहाँ के लिए, शादी के लिए। ऑलरेडी लेट हो गए। इसके नीचे ना मैंने पेटीकोट पहना है, तो कोई कोई मुझसे पूछता है कि डिजाइनर साड़ी के नीचे पेटीकोट लगता है, तो पेटीकोट क्या लोअर भी पहन सकते हो, पर लोअर फिटिंग का होना चाहिए कि टाइट आप अगर कर सकते हो उसे तो, अदरवाइज वो खुल सकता है, ये डर रहता है। तो सब कुछ सेट है सब कुछ, और मैंने कुछ भी नहीं किया, फटाफट रैप करी और मैं हो गई तैयार। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। तो ये है मेरा मेकअप, ये मेरा आई मेकअप। मैंने स्मोकी आईज नहीं किया क्योंकि मुझे रेड लिपस्टिक लगानी थी, रेड लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है इसके लिए, इसलिए मैंने स्मोकी आईज नहीं की। हाय ये देखिए तो ना ये लिफाफा तैयार कर रहे थे, तो गिफ्ट हम लेने नहीं गए तो लिफाफा ही देते हैं। डाल दिए तुमने 2000 रुपये? हाँ ना चाचा की शादी है ना। 501 शगन क्योंकि लड़की की शादी है। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो इन एंड ऑल। टू मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं देखिए, बहुत टाइम बाद मैंने फॉल्सीज लगाई। वैसे मैं मेकअप ट्यूटोरियल में मैक्सिमम फॉल्सीज लगाती हूँ, अदरवाइज मैं फॉल्सीज लगाती नहीं हूँ। आज मुझे लगा कि चलो फॉल्सीज लगा ली जाए क्योंकि दस दिन के अंदर ये जवान एक ठाकुर की जवान है ना, ये ऐसा हो गया 10 दिन में नाम बदल दे। ऐसा लगा तुम प्रेग्नेंट हो। सुनो सबको बताऊंगा ठीक है। आर यू? ओह माय गॉड, गुड न्यूज गुड न्यूज। राजा इज एक्सपेक्टिंग। शट अप। राजा एक्सपेक्ट कर रहा है। मैंने आके इयररिंग उतार दी। आना बहुत भारी काम कर दिया का है। हाँ, सही में बहुत भारी काम। लोग नहीं बुलवा लिए उतरवाने के लिए, क्रेन से क्रेन बुलवा देता ना मैं इयररिंग उतारने। तो पता है हम लोग इतने परफेक्ट टाइम पे पहुंचे, उस टाइम पे वरमाला ही देखो तुझे रहा कैसी है वीडियो कहां गया मोबाइल में। हां तो इनने सारी वीडियो जो है इनने शूट करी है, मोबाइल में कैमरा भूल गई थी तो मैं क्या हुआ कार में बैठी हुई, बोला ए कैमरा कहां है। जब आधे रास्ते पहुंच गए फिर कोई याद आया कि कैमरा तो यहीं पे छूट गया। फिर हमने बहुत सारी फ़ोटो खींची, खाना खाया, फिर हम स्टेज पे गए मिलके आए क्योंकि इनके फ्रेंड की बहन की शादी थी इसीलिए। राजा अच्छा किसी ने पूछा नहीं तुमने क्यों नहीं बुलाया था अपनी बहन की शादी में। हाँ अगर तुम्हारे सारे दोस्त ऐसा करते तो कि जिन जिनकी बहन की शादी है कोई नहीं बुलाता तुम्हें क्योंकि तुमने नहीं बुलाया था। फिर हम लोग बोलते कि हमें तो खुद ही नहीं बुलाया था। अब ये जो नेक पीस है उतारा जाए, एक मिनट। ये तो नेक पीस उतार लिया, देखिए मेरे नेक पीस पे क्या हुआ है। टिंग टिंग, इस पे लग गया है फाउंडेशन। ये देखो फोटो सेशन दिखा रहे हैं, उन्हें पता है इतनी फोटो खींची है
अब सबसे बुरा काम है ये, मुझे पता है फॉल्सिक्स लगा के रखना बहुत बुरा लगता है। निकल गई। तो इसे ना मैं अब क्या करती हूँ, मेकअप रिमूवर से आप इसे क्लीन कर दीजिए। फॉल्सीज आप रीयूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये महंगी फॉल्सीज है, तो इसलिए वो जो सस्ती वाली एक मैंने मंगवाई थी ना वो कुछ ज़्यादा ही पतली थी, तो अभी फ़िलहाल लगा नहीं पाती, इसलिए मैंने ये लगा ली है। मेरी खुद की ना उखड़ जाए। हाँ पूरा लुक ही चेंज हो गया ऐसा लग रहा है। बताइए। वो आज पूरी वरमाला की अपना वो ड्रोन से अपना उसमें फूल गिर रहे हैं। और कुछ नहीं, और क्या। तो मैं जाके चेंज करती हूँ और ये रख के आ रही हूँ। मैं चेंज करती हूँ और उसके पास फिर आपको कुछ मिलती हूँ। कल पता है बहुत लंबा चौड़ा काम है मुझे, पूरे कपड़े अलमारी अरेंज करनी है। मेरा पीछे का रूम की हालत आप देख लेंगे ना तो आप बोलेंगे क्या ये वही रूम है जो हुआ करता था। अभी फ़िलहाल ऐसा हो रहा है तो मैं राजा का ही वेट कर रही थी कि राजा कर आएंगे, तो मैं जाती हूँ चेंज करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ओके हाँ, ये कितनी लाल हो रही हूँ मैं। तो चेंज कर लिया, अब हम लोग देख रहे हैं बिग बॉस। अब बिग बॉस का टाइम है ना ऊपर नीचे हो जाता है। HD1, HD+1 इस पर हम चेक करते हैं कि कौन सा बिग बॉस देखने मिलेगा हमें। उसके बाद मैं रात में आराम से मेकअप निकालूंगी, आराम से। ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा हमको ठंडा लग रही है। भाभी जाए है, भाभी जाए साड़ी में नहीं आ पाई, भाभी जाए है हमको ठंड लग रही है। कैसन बा, अच्छा बा, फोटो कैसन बा, फोटो आ गई बा, फेसबुक पे डाल दिया, फोटो एक नंबर आई बा। आज पता है मैं कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाई, सो सॉरी। मैं आज के व्लॉग के कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे, मैं हम लोग शादी में थे जिस टाइम मैंने व्लॉग ये को क्या है क्या कुछ नहीं उल्टी पहनी क्या मैंने सही। अब तुम इतना एक क्रीज देखोगे क्या बैठ के। चलिए अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, थक गए बहुत। शादी में जाना बहुत बड़ा काम होता है, तैयार होके बहुत थकान सी हो रही है, तो थक गई हूँ मैं, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। उक्कन बा फोटो नहीं दिया, फोटो दिखा दो। हाय हाय, फोकस ही नहीं कर रहा है आप, फोकस क्या। तो राजा ने भी चेंज कर लिया, मैंने अपना मेकअप निकाल लिया। हाय, इन्हें नींद आ रही है क्या, खाना ज्यादा खा लिया, ज्यादा खा लिया, शादी में ज्यादा खा लिया। आप बताओ मैंने आपने खाया क्या है। मैंने खाया रुमाली रोटी और दे पनीर दी सब्जी, शाही पनीर। आप चिकन नहीं पनीर ना? हो चिकन शादी पंडितों की शादी थी मतलब ऐसे। हाँ पंडितों की शादी में चिकन कहाँ से मिलता। तुम्हारी शादी में तो था चिकन। मेरी शादी में था नॉनवेज। चल झट्टा, मेरी कोई पंडित से शादी हुई थी जो नॉनवेज नहीं होता। तुम्हारी पंडित से ही शादी हुई थी। सही बताओ। हाँ है, आपने बताया नहीं। ये है ठाकुर, राजपूत है राजपूत, और हम है पंडित। हाँ क्लियर स्किन, राजा की स्किन देखिए बस। नजर मत लगाओ मेरी स्किन पे, है ना, मतलब मस्त स्किन है ना, मस्त स्किन है। मेरे को मेरे बालों में ऑयल कर फेशियल कराना पड़ता है, हर साल एक बार फेशियल करा ही लेता हूं एक बार। अच्छा करा के आए थे ना हम लोग, कब तभी तो ग्लो कर रही है इतनी। हाँ और बताओ जानी, दो तीन महीने बाद पहले कराया था तब ग्लो कर रही थी। रात हुई नहीं, सोने का टाइम हुआ नहीं कि जो बोजो से खराट है आपको पहले सुनने लगे। बोजो सो गया, बोजो सो गया, ये देखिए शांत एकदम। वो मैं सोने से पहले ही सो गया। प्रेस 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 सुनने दो। बाइक चल रही है, बुलेट बुलेट चल रही है, बुलेट चल रही है। तो अब व्लॉग एंड करेंगे आप। हाँ तो आप बताइए शादी का व्लॉग कैसा लगा, हम लोग कैसे लगे, हम लोग अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ। और शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। बोल दो खराटों के लिए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, आज मेरे मन का हो गया कि मैंने ब्लैक साड़ी पहन ली। मेरे मन को भाया मैंने ब्लैक साड़ी पहन ली, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया।
टीवी की लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, मेरे बाल पता है बहुत अजीब से हो रहे हैं. एक्चुअली मैं जिस दिन बाल कर लो होते हैं ना, उस दिन ना मेरे को लगता है कि बस अब मैं ऑयलिंग करूँ और अगले दिन जो शैम्पू है वो करूँ तो मेरे बाल नॉर्मल हो जाएँ. देखिए देर तक टिके रहते हैं ये, सुबह भी टिके रहेंगे मुझे पता है, इसलिए मुझे इनको खुद ठिकाने लगाना पड़ेगा, मतलब इनका जो काम है मुझे खुद करना पड़ेगा. सो गाइस अभी मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को एंड, मैं मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो. तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल. सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू. आज संडे का, बाय. तो संडे को आएगा ना ये, अच्छा ओके, इसलिए सबको अ वेरी हैप्पी संडे, क्योंकि कुछ है ही नहीं, है ना.